कार्यकर्ताओं का नहीं होगा उत्पीड़न बर्दाश्त। विधायक राजीव तराड़ा जनपद अमरोहा की धनौरा विधानसभा से भाजपा विधायक ने भाजपा कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की शिकायतों के संबंध में डीएम से मीटिंग करने के बाद अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी कार्यकर्ता का उत्पीड़न सहन नहीं किया जाएगा। धनौरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राजीव तराड़ा आज अपने कुछ कार्यकर्ताओं की समस्याओं को लेकर डीएम अमरोहा से मिलने पहुंचे और अपनी बात रखते हुए कुछ अधिकारियों की शिकायत भी डीएम से की। भाजपा विधायक का मानना है कि जिले के कुछ प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी भाजपा कार्यकर्ताओं को टारगेट करके उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भाजपा विधायक ने सीधे तौर पर जिले के आला अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि धनौरा क्षेत्र में चल रहे अवैध क्लिनिकों के संबंध में कई बार डीएम और दूसरे अधिकारियों को उनके द्वारा शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। ऐसा नहीं चलेगा, सही काम तो करने ही पड़ेंगे। डीएम ने सोमवार तक का समय दिया है, अगर फिर भी शिकायतों का निस्तारण नहीं हुआ तो फिर से आकर अपनी बात रखेंगे। कार्यकर्ताओं की आज कुछ समस्याएं थी, उसको लेकर हम जिलाधिकारी से मिले, जिसको पिछले काफ़ी समय से नहीं सुना जा रहा था और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न में हो रहा था। बार बार कहने के बाद भी जिलाधिकारी और अनाधिकारी नहीं सुन रहे थे, तो इसको आज मिलकर के हमने बोला है उत्पीड़न किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं होगा और कार्यकर्ता का काम होना चाहिए, उसको मान सम्मान। और फिर हमारा कार्यकर्ता ठीक है, वो गलत काम नहीं कर रहा है, वो सारे ठीक काम कर रहे हैं। हम ठीक के लिए हैं यहाँ पर, आवाज़ उठाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए हैं। बस यही हमारा आज का उद्देश्य था कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था के साथ सारे काम हों और सभी को सम्मान मिलना चाहिए। कार्यकर्ता भी हमारा मेहनत करता है तो उसको भी सम्मान मिलना चाहिए। इसको लेकर के हम जायज़ काम के लिए मिले और अपनी बात रखी, आश्वासन मिला है कि सोमवार तक इसका समाधान होगा। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं सोमवार तक की, उसके बाद पुनः मिलेंगे और अपनी बात को कहेंगे। कोई धनौरा में जो है प्रकरण था जिसमें 5,000 का वो दिया गया था नोटिस, गलत तरीका है, बहुत ज़्यादा द्वेष भावना के चलते ये सब काम किया है और ये सब ठीक नहीं है। क्योंकि मैं बहुत सारी शिकायतें रख चुका हूँ, जो अवैध रूप से क्लिनिक चल रहे हैं उनके खिलाफ ये कोई भी काम करने को तैयार नहीं है, उनके विरोध में करने को तैयार नहीं है। लेकिन कार्यकर्ता अगर कोई ठीक काम कर रहा है तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई कर रहे हैं, और ये चीज़ बर्दाश्त के बाहर है, ये सब नहीं होने देंगे।